40 साल से भाजपा से जुड़े रहे एडवोकेट नरेश जसवाल ने बुधवार को प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के सचिव, भाजपा विधि प्रकोष्ठ हमीरपुर के संयोजक, भाजपा ग्राम केंद्र के पालक व पन्ना प्रमुख के सभी औहदों से त्यागपत्र देकर 16 परिवारों के साथ कांग्रेस पार्टी का विधिवत सदस्यता ग्रहण की। सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने उनका पार्टी में स्वागत किया। सदस्यता ग्रहण करने के बाद नरेश जसवाल ने कहा कि जिस घर में मान सम्मान ना हो उसे छोड़ना ही बेहतर होता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1981 में उन्होंने स्वर्गीय जगदेव चंद ठाकुर के सानिध्य में भाजपा ज्वाइन की थी। इतना लंबा अरसा संगठन में रहकर उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया और पार्टी को मजबूती प्रदान की, लेकिन अब अनदेखी व उपेक्षा के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ी है। उन्होंने जिला के भाजपा से संबंध एक बड़े परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके जैसे कार्यकर्ताओं के दम पर नेता करोड़पति बने, लेकिन उन्हें रोड़पति बना दिया। उन्होंने कहा कि 40 साल पार्टी की निस्वार्थ भाव से सेवा करने के बदले में उन्हें चुप रहने की नसीहत दी जा रही थी। उन्होंने कहा कि 128 बार उन्होंने विभिन्न टेस्ट क्लियर किए हैं, लेकिन अपनी सरकार होते हुए भी उनकी अनदेखी कर दूसरों को गले लगाया गया। नरेश जसवाल ने कहा कि अभी आगाज हुआ है तथा कोविड महामारी के बाद सैकड़ों परिवारों का काफिला कांग्रेस में आने को तैयार बैठा है।